जेंटलमैन, अगर आप जानना चाहते हो जीडीपी डेटा के आधार पे मैं कैसे शेयर बाजार में जहां मैंने निवेश किया हुआ है मैं अपने नतीजों को एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकूं। जनरली दोस्तों हम लोगों ने सीखा है रिजल्ट को एनालिसिस करना और उन रिजल्ट के बेस पे हम फर्दर अपकमिंग रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हैं। वैसे ही दोस्तों कुछ डेटा जो हमें मिलते हैं वो डेटा के आधार पे भी हम आने वाले समय के नतीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट? लास्ट एपिसोड में अगर आप ये एपिसोड डायरेक्टली सुन रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पार्ट वन पहले देखें, क्योंकि पार्ट वन में हमने आईआईपी डेटा को कैसे स्टडी करना चाहिए रिजल्ट प्रेडिक्ट करने के लिए देखा। तो ये है पार्ट टू जहां पे हम जीडीपी डेटा के आधार पे रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना सीखेंगे, राइट? तो मैं वापस से आपकी स्प्रेडशीट पे आ जाता हूं, राइट? चलो इससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते जाए, राइट फ्रेंड्स? चलिए दोस्तों तो मैं ले जाता हूं आपको स्प्रेडशीट पे। ये मैं आ गया आपकी मैजिकल स्प्रेडशीट पे। लास्ट टाइम हमने स्प्रेडशीट पे चर्चा की थी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। इतना जरूर बता दूं कि ये फर्स्ट पार्ट है जीडीपी रिलेटेड जिसकी आज चर्चा करेंगे। हमने लास्ट टाइम इंडस्ट्री इंडाइसिस यानी कि आईआईपी डेटा चेक किए। आईआईपी डेटा हम लोगों ने पिछले फर्स्ट एपिसोड में देखे थे। इसके साथ ये भी बता दूं इन्फ्लेशन के जो डेटा आते हैं, इन्फ्लेशन सीपीआई आ चुका है सेम आईआईपी के साथ में, क्योंकि ये 12th को आता है। आज जब हम बात कर रहे हैं टुडे इज 14th, लेकिन आज 14th है तो और एक इंपॉर्टेंट डेटा आता है, वो कौन सा है दोस्तों? WPI, जिसका ज्यादा महत्व है सीपीआई से भी। तो WPI का क्यों महत्व है? ये इन्फ्लेशन का एक डेटा है। WPI में प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूअल एंड पावर, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, फूड इंडेक्स, ये सारी चीजें कवर की जाती है। तो ये हम थर्ड पार्ट में लेंगे। आज हम इन चीजों पे बात नहीं करने वाले हैं, आज हम सीधे सीधा यहाँ पे जीडीपी पे आ जाते। तो चलो दोस्तों जीडीपी डेटा देखें। जीडीपी डेटा जब हम देखेंगे, ये जीडीपी पांच पार्ट में बटी हुई होती है। पहला पार्ट होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस, जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक, गैस, वाटर जिसे यूटिलिटी कहते हैं, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, ये छह अलग अलग ब्रॉडर सेक्टर पे बात की जाती है। दूसरा पार्ट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम जीडीपी कहते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड से जीडीपी पे ज्यादा चर्चाएं होती है, ये ज्यादा पॉपुलर चीज है। गवर्नमेंट और फाइनेंस और सॉरी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या आप ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलो, पर ये लाने के लिए हमने कितना एक्सपेंडिचर किया हुआ है, राइट? तो एक्सपेंडिचर पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, हम ये भी देखेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, राइट? ये दोनों चीजों से हमें हमारा कंजप्शन पता चलता है, गवर्नमेंट की ओर से और प्राइवेट भी। एंड फिफ्थ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारे डेटा एमओएसपीआई यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की ओर से हमें एवरी क्वार्टर मिलते हैं, हर महीना नहीं, इन्फ्लेशन की तरह या आईआईपी के डेटा की तरह, नॉट एवरी मंथ। ये में कब मिलते हैं? 3 महीने में एक बार। तो कब दोस्तों? मई, अगस्त, नवंबर, फरवरी, अभी मार्च चालू हो गया है, तो एक सीधी बात है फरवरी एंड में ये डेटा आया होगा कि नहीं। तो ये डेटा जब आया तब न्यूज भी जबरदस्त था कि मंदा पड़ा हुआ इंडिया का जीडीपी, हेडलाइन पे नहीं जाने का, वो हेडलाइन में कुछ और लिखेंगे एक्साइट करने के लिए, डराने के लिए, अंदर कुछ और होगा, बराबर की नहीं। बाहर दूसरे हीरोइन की बात होगी, अंदर जाओगे दूसरी हीरोइन मिलेगी, ये न्यूज मीडिया का कुछ ऐसा चलता है, राइट? देखो 60 डेज का लैग रहता है। तो अभी हम जो फेब्रुआरी के डेटा देखेंगे, फेब्रुआरी मतलब आपको कब तक का ये डेटा मिलेगा? जनवरी मिलेगा, क्वार्टर थ्री तक का मिलेगा। जनवरी तक का डेटा आपको आईआईपी का मिला था। तो देखो लेटेस्ट आपको कौन सा मिलता है?
आईआईपी हर महीने आता है वो लेटेस्ट रहता है, जीडीपी क्वार्टरली आता है तो वो थोड़ा लैग करता है आईआईपी से। दोस्तों हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक पे, ये मैंने लिंक पे क्लिक किया, अब लिंक पे क्लिक किया तो आपका वेबसाइट ओपन हो गया होगा। मैं अभी जस्ट इसको शेयर करता हूँ आपके साथ, ये मैंने स्टॉप शेयर किया और ये मैंने वेबसाइट ओपन कर दी, देखो ओपन हो गई। तो ये जो डेटा ओपन हुआ है वो अभी इसलिए ओपन हुआ है क्योंकि मैंने एक्सेल शीट में जो लिंक रखी है वो ये वाली रखी है, पर ये तो एवरी क्वार्टर डेटा नए आने वाले हैं जीडीपी के, उसी प्रकार से आईआईपी के हर महीना डेटा आने वाले हैं, इन्फ्लेशन के आने वाले हैं, तो आपको ये लिंक हर बार काम नहीं लगेगी, यहाँ पे नो पेज फाउंड आ जाएगा। तो अब नो पेज फाउंड आता है तो क्या करें, देखो मैं क्या करने का, ये सब डिलीट कर देने का, यहां तक का सब हमने डिलीट कर दिया। तो क्या पेज आता है, ओपन होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का वेबसाइट ओपन हो गया। थोड़ा डाउन स्क्रॉल करो, देखो ये सब प्रेस रिलीज आ रहा है, राइट। अब वो लेटेस्ट प्रेस रिलीज में होगा, जैसे यहाँ पे अभी प्रेस नोट ऑन पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे आया हुआ है, क्वार्टरली बुलेटिन है, लेबर फोर्स रिलेटेड डेटा ये देता है। प्रेस रिलीज ऑन न्यू सीपीआई फॉर फेब्रुआरी 22, जो लेटेस्ट अपने पास इन्फ्लेशन के डेटा आते हैं, राइट। ये 14 मार्च यानी कल आने वाले थे वो यहाँ आ चुके हैं। 11 मार्च का आईआईपी डेटा जो हमने डिस्कस कर रहे हैं, लेट मी ओपन इट, देखो सेम पेज पे आ गए ना। तो यहाँ पे ये डिटेल आपको दिया हुआ है, सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, क्वार्टरली एस्टिमेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक का जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी, राइट। देखो डेट 28 फरवरी को ये पब्लिश हुआ था, यस हमें यही डेट की जरूरत थी, बराबर है। यहाँ पे एस्टिमेट्स जो आपको दिए, जो डेटा है अभी ये एस्टिमेट ही है, बहुत से अलग अलग डेटा को दोस्तों कंपाइल किया जाता है। देखो कैसे, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, इन्होंने क्या क्या डेटा को कंपाइल करके एस्टिमेट पे आते हैं, इंडेक्स आईआईपी प्रोडक्शन के डेटा जो हर महीने मिलते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ लिस्टेड कंपनीज इन प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर अवेलेबल अप टू क्वार्टर एंडेड, सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ मेजर लाइफस्टॉक इन रेनी सीजन, और वगैरह वगैरह वगैरह, कॉमर्शियल व्हीकल हो गए ना, पैसेंजर कार्गो हो गया, एविएशन का एवरीथिंग, राइट। उसी प्रकार से टैक्सेशन के लिए जीएसटी डेटा और बहुत सी चीजों के एस्टिमेट लिए जाते हैं, तो ये एक एस्टिमेट है, राइट, जो रियल फिगर से थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है। ये स्टेटमेंट 1 to 12 अगर आप क्लिक करोगे, लेट मी क्लिक इट, ये मैंने क्लिक किया तो एक एक्सेल सेल डाउनलोड हो गया है, राइट। अब ये पीडीएफ में पूरा डेटा है, पीडीएफ में पढ़ना चाहो पीडीएफ में पढ़ो, एक्सेल में लेना चाहो तो क्लिक हियर, राइट। अब मैंने क्या किया है, जस्ट अगेन लेट मी शेयर यू अगेन माय एक्सेल जिसपे हम चर्चा कर रहे थे। ओके, दिस इज एक्सेल सेट, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 to 2, स्टेटमेंट 3 to 4, स्टेटमेंट 1, ये आगे सब ये अलग अलग स्टेटमेंट है, राइट। चलो स्टॉप शेयर एंड आई एम मूविंग टू योर पीडीएफ, आगे ये जो पीडीएफ पे जब हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों, देखिए सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंपोनेंट ऑफ जीडीपी 2011-12 इसका बेस लिया हुआ है, राइट। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड दोस्तों, ओके, ग्रॉस वैल्यू एडेड 1920 की 1,32,000 करोड़, 2021 एफआरई, ये भी दोस्तों एस्टिमेट है, रिवाइज्ड एस्टिमेट है, राइट। 21-22 1,36,000 करोड़ का ही हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस है दोस्तों। 2021 को अगर हम देखें तो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड -5%, 4.8% से डिक्रीज हुआ था, याद है ना कोविड पीरियड। इस साल अगर हम देखें तो हम 8.3% से ग्रोथ करने का आशा रख रहे हैं, ये एस्टिमेट है, अभी साल खत्म नहीं हुआ है 21-22, राइट right, अभी तो क्वार्टर थ्री के डेटा है, तो क्वार्टर फोर तो आपको पता नहीं है, तो ये एस्टिमेट लिए जाते हैं कि हमें उम्मीद है
ये साल फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग हम 8.3 पे करेंगे, राइट। नेट टैक्सेस, टैक्सेस देखे पिछले साल 25% से घटे, इस बार 18% से बढ़े। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि जीवीए और नेट टैक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये देखे पिछले साल 6.5% से आपका जीडीपी डाउन था, इस साल 8.9% से ग्रोथ हो रहा है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेटा। कोई आपको बोले जीडीपी इस साल कितना बढ़ेगा, आप क्या बोलोगे? वी हैव एस्टिमेट ऑफ अराउंड 8.9%, राइट, दिस इज योर एस्टिमेट। दोस्तों ये एस्टिमेट लिया जाता है बहुत से डेटा कंपाइल करके, लिस्टेड कंपनीज के जो नतीजे आए होते हैं वो डेटा लिया जाता है, अलग अलग डेटा टेलीकॉम के, पैसेंजर कार के, एयरपोर्ट्स के, टैक्स कितना भरा है, ये सब डेटा को लेके कंपाइल करके एक एस्टिमेट लिया जाता है जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, बराबर है। अब ये डेटा देख के एक क्लिक चित्त तो क्लियर हुई दोस्तों, आप ग्रोथ में हो कि डी ग्रोथ में हो, पिछले साल डी ग्रोथ किया था और ये साल तो आप ग्रोथ में ही हो, तो इस साल जितना टूटे उससे ज्यादा बढ़ रहे हो। लाइफ टाइम हाई जीडीपी की दोस्तों इस साल हम उम्मीद रखेंगे, राइट, लाइफ टाइम हाई जीडीपी। इसलिए बाजार एडवांस में आपका लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका था। अब पहला ही हमने बात किया किस चीज का दोस्तों, ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी का। उसके बाद एक्सपेंडिचर कंपोनेंट है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई। दोस्तों पीएफसीई के अगर आप डेटा देखो सबसे मेन पार्ट जीडीपी में इसी का होता है, ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन है, मिलके सब लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, देखो दोनों में फर्क दिखेगा। पीएफसीई पिछले साल डाउन हुआ था, ये साल वापस रिकवर हुआ है, राइट, और वापस प्री कोविड लेवल पे है। लेकिन गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये पिछले साल कोविड में भी ज्यादा था और इस साल उससे भी ज्यादा है, तो ये कमिटमेंट गवर्नमेंट का अपनी ओर बताता है, राइट। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कंटिन्यू है, ये हमने बजट में भी देखा, यहाँ पे भी देख रहे हैं, इसकी इफेक्ट हमने कंस्ट्रक्शन कंपनियों पे देखी, ऑलराइट। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक वैल्यूएबल्स या इंपॉर्टेंट डेटा है आपके एक्सपोर्ट के, 28 लाख करोड़ का 26 लाख करोड़ हुआ, घट गया एक्सपोर्ट, इस बार अगेन लाइफ टाइम हाई पे आ गया एक्सपोर्ट। उसी प्रकार से इंपोर्ट भी घटा था पर इंपोर्ट भी लाइफ टाइम हाई पे आ चुका है, राइट। सो दिस इज योर ओवरऑल जीडीपी जो यस लाइफ टाइम हाई पे है इस साल। तो अभी आपको पूरा साल का डेटा आने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे मैं तो वर्ल्ड बैंक पे जब अपडेट होगा ना कि इंडिया का जीडीपी और लाइफ टाइम आया तभी मानूंगा। अरे वो हमसे डेटा लेंगे, उनको किधर से पता चलेगा कि जीडीपी कितना आया, उनको इधर से ही तो पता चलेगा। वो ऐसे ही हर जगह से डेटा कंबाइन करते पर वो एस्टिमेट पे नहीं चलते, वो प्रॉपर डेटा अपडेट होने की वेट करेंगे, स्टिल दीज आर एस्टिमेट, राइट। तो प्रॉपर डेटा अपडेट होने में टाइम लगता है, इसलिए वर्ल्ड बैंक की साइट पे थोड़ा लेट अपडेट होता है, राइट। पर हमें पहले से पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक पे क्या डेटा आने वाला है इधर से, गॉट इट। शेयर इन जीडीपी देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया सबसे बड़ा शेयर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन का है, राइट। यहां पे नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम 60% से घटा था, इस बार 9% से बढ़ा है। नेट नेशनल इनकम ऑलमोस्ट दोनों डेटा का ग्रोथ आपको सेम मिलेगा। पर कैपिटा इनकम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम जनरली देखते हैं पर कैपिटा इनकम विद प्रोडक्ट एंड फाइनल कंजप्शन। सबसे पहले आता है जीडीपी पर कैपिटा जो पिछले साल 8% से घटा था, इस बार 8% से 7.6 से बढ़ा था, 7.9% से बढ़ा है, सो दैट्स ग्रेट, राइट। पर जीडीपी पर कैपिटा ये जो 1,07,000 रुपए है, ये जीडीपी पर कैपिटा कैसे बना? पॉपुलेशन से डिवाइड करके। देखो आपका जीडीपी कितना है, 1,48,000 करोड़,
इसको इस साल का जो पॉपुलेशन है इंडिया का 137 करोड़ से डिवाइड कर दिया तो ये रिजल्ट आया, राइट। पर ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड डेटा है, ये रियल जीडीपी बोलते हैं। दोस्तों जीडीपी देखने के समय आप रियल जीडीपी देख सकते हो, ग्रोथ के समय आप रियल जीडीपी का ग्रोथ देख सकते हो, पर जब जीडीपी पर कैपिटा देखते हो तब रियल जीडीपी पर कैपिटा नहीं देखना चाहिए, राइट। इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी पर कैपिटा है। अभी हम ओरिजिनल जीडीपी पर कैपिटा देखेंगे तो इन चीजों पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो डेटा आपको मिलते हैं वो दो मिलते हैं। एक कौन सा मिलता है, दिस इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी, राइट। दूसरा डेटा हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, पर ये डेटा के बाद दूसरी जो इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दी हुई है ये करंट प्राइसेस की है। करंट प्राइस ये है दोस्तों आपका जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्ट करे बगैर। तो आप बहुत बार सुनोगे पिछले साल इंडिया का जीडीपी 200 लाख करोड़ था, ये साल 236 लाख करोड़ है। इन्फ्लेशन से एडजस्ट ना करे तो आपका जीडीपी 236 लाख करोड़ हुआ, ऑब्वियस है दोस्तों लाइफ टाइम हाई पे है, राइट। पिछले साल जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्ट ना करे तो 1.5% से जीडीपी आपका गिरा था, इस बार 20% से बढ़ रहा है, राइट। सो करंट जीडीपी इस साल 20% से बढ़ने की हमें उम्मीद है, राइट। उसी प्रकार से दोस्तों यहां पे मैं वापस नीचे जाता हूं, अब मैं यहां पे जीडीपी पर कैपिटा देखूंगा, क्योंकि ये जीडीपी पर कैपिटा आपका रियल जीडीपी पर कैपिटा है, राइट। अगेन क्या किया इन्होंने, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, तो जीडीपी पर कैपिटा पिछले साल इंडिया का 1.5 लाख रुपया था, 2.5% हमारा जीडीपी पर कैपिटा डाउन हो गया था। इस बार दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा इंडिया का 18% से बढ़ा है। पता है यहाँ पे जब डाउन हुआ था कुछ लोग कह रहे थे इंडिया में बहुत गरीबी बढ़ गई है, इंडिया में ये, इंडिया में वो। दोस्तों इंडिया ना दो चीजों में बटा हुआ है, डेटा कोई भी देखेंगे उसमें वो लोग पॉलिटिक्स को ला देंगे। अगर मैं पॉलिटिकली करंट गवर्नमेंट के साथ हूं तो मैं बुरे डेटा में भी अच्छा 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 बोलूंगा, और अगर मैं करंट गवर्नमेंट का विरोधी हूं तो कितना ही अच्छा बेस क्यों ना करे हम नेगेटिव ही बोलेंगे। दोस्तों हम पॉलिटिकली बाजू में रख के डेटा को देखे तो वो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर बहुत गलत डिसीशन होते हैं जो लोगों ने पिछले साल लिए थे, राइट। हम तो पहले से ही फुल तेजी कह रहे थे कि नहीं, जब बाजार जबरदस्त टूट रहा था उस समय भी, राइट। देखो बाजार लाइफ टाइम हाई पे आ गया, लोग माल बेच के बैठे थे कोरोना में, ऐसा नहीं करने का, बराबर। पॉलिटिकल व्यू होना चाहिए, पर जब डेटा देख रहे हो वो डेटा को स्टैंप लगाओ पॉलिटिकल पार्टी पे कि तुमने ये अच्छा किया है, तुम्हारे यहाँ चैलेंजेस है, ये बुरा है तो बुरा है, राइट। तो जीडीपी पर कैपिटा ह्यूज ग्रोथ, पर कैपिटा ऑन ग्रॉस नेशनल इनकम बेसिस, पर कैपिटा एनएनआई, पर कैपिटा पीएफसीई। दोस्तों हमारा जो कंजप्शन है पिछले साल कंजप्शन 3% से डाउन हो गया था, ये साल 15% से बढ़ भी चुका है, तो दैट्स ग्रेट, ये अच्छी चीजें हैं दोस्तों। अब हम ब्रॉडर मार्केट को कवर करने का प्रयास करेंगे। अगेन बेसिक प्राइस 11-12 पे ये डिपेंड है, एग्रीकल्चर 19-20, 20-21, 21-22। पिछले साल आपका जीवीए 5% से डाउन था फाइनेंशियल ईयर, इस साल जीवीए 8% से प्लस है। और पिछले साल जब ये 5% से डाउन था तो अंडर परफॉर्मर कौन थे, एग्रीकल्चर वॉज आउट परफॉर्मर, इसलिए एग्रीकल्चर रिलेटेड उद्योग ने ग्रोथ किया था पूरे टाइम में भी कोविड में, है ना। माइनिंग बुरे हाल थे, मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव था पर फिर भी जीडीपी से अच्छा था, यूटिलिटीज जीडीपी जैसा, कंस्ट्रक्शन बुरे हाल थे पिछले साल, ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ओ माय गॉड 5 गुना ज्यादा अफेक्टेड था, 20% जीवीए डाउन था। फाइनेंशियल रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विस ये प्लस था 2% पिछले साल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस एंड अदर सर्विस में आपका एजुकेशन वगैरह आता है 5.5% डाउन था,
राइट, तो ये ज्यादा अफेक्टेड था आपका जीवीए से। इस साल अगर आप देखो, देखो एग्रीकल्चर वैसे के वैसा है, अभी हम अंडर परफॉर्मर बोलेंगे पर पिछले साल के हिसाब से फ्लैट है। माइनिंग जो नेगेटिव था वो जबरदस्त बढ़ चुका है। मैन्युफैक्चरिंग जो पिछले साल नेगेटिव था पर फिर भी उसने जीवीए को आउट परफॉर्म किया था, ये साल आउट परफॉर्मर है। तो मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई का ये इफेक्ट आप लोगों को दिख रहा है। और हमने मैन्युफैक्चरिंग पे बात की थी जब आईआईटी डेटा डिस्कस किए थे, याद है ना, राइट। यूटिलिटीज -4 से +8, तो ये ऑलमोस्ट आपके जीवीए के साथ चल रही है यूटिलिटीज। कंस्ट्रक्शन डबल अफेक्टेड था, इस बार ज्यादा अच्छा है। तो कंस्ट्रक्शन अच्छा है, बुरा नहीं है इस साल। ट्रेड होटल्स और ये जब जो जबरदस्त नेगेटिव था 5 गुना ज्यादा, ये इस बार आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। पर फिर भी समझ लो पिछले साल 20% से टूटे थे, तो धंधा 80 हुआ होगा। 100 को बेस पकड़ो, 20% डिफेक्ट हुए, 80 बचा। इस बार 11% का ग्रोथ आएगा तो भी 90 ही हुआ। तो अभी भी ये अफेक्टेड इंडस्ट्री है, पर चलो यहाँ पे आपको रिकवरी अच्छी दिख रही है, बराबर की नहीं। फाइनेंशियल रियल एस्टेट पिछले साल भी अच्छा, ये साल पिछले साल से म्यूटेड है, ये हम बोलेंगे, क्योंकि 8 के मुकाबले 4। अगेन डिफेंस आए तो धमाकेदार निवेश हो रहा है डिफेंस पे। पिछले साल अफेक्टेड था, ये साल 8 के सामने 12, तो डिफेंस पे स्पेंडिंग तो बढ़िया हो रहा है। इनफैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर्स में जैसा मैंने आपको बताया क्या क्या आ रहा है, देखो एजुकेशन, हेल्थ, रिक्रिएशन एंड अदर पर्सनल सर्विस, तो इनके हिसाब से थोड़ी कंपनियां सोच लेने की, राइट। माइनिंग की कंपनियां इस साल अच्छा कर रही होगी, यूटिलिटीज अच्छा कर रही है। यूटिलिटीज में क्या आती है, गैस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं। ट्रेड होटल में रिकवरी आ रही है पर फिर भी वो लाइफ टाइम आईपीए नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया ऐसा क्यों है, बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे ये, राइट। रिकवरी है लेकिन, और डिफेंस तो लाइफ टाइम आईपीए ही होगा अभी, बराबर, क्लियर ना एकदम। अभी इधर अगेन करंट प्राइस पे अभी सेम चीज दो बार नहीं देखेंगे, इन्फ्लेशन एडजस्ट करे मगर इतना, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के साथ इतना, बराबर है। पर देखो ग्रोथ तो वैसा ही होगा, तो वी नॉट नीड नॉट वेस्ट योर टाइम हियर। ये जो है ये थोड़ा हटके डेटा है, इंडेक्सेस वही है, राइट, लेकिन ये 1920 क्वार्टरली डेटा, 2021 क्वार्टरली, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, इस साल का क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री। तो अगर हम ग्रोथ देखें, ग्रोथ तो क्वार्टर थ्री अगर हम खाली देखें, खाली क्वार्टर थ्री, तो सबसे पहले क्या देखने का, जीवीए, जीवीए में सब कुछ आ गया दोस्तों। पिछले साल क्वार्टर थ्री में 2% का ग्रोथ था, इस साल क्वार्टर थ्री में 4.7 है, तो पिछले साल के मुकाबले पूरी ट्रेंड पॉजिटिव है। देखो पूरी ट्रेंड कैसे बोलूंगा, क्वार्टर वन में -21, इस बार उसके मुकाबले 18+, पिछले साल क्वार्टर टू -6, इस साल +6 +8, पिछले साल पॉजिटिव हुआ था क्वार्टर थ्री से, राइट। तो कोविड वाले साल भी क्वार्टर थ्री से तो ये जीवीए पॉजिटिव हो चुका था, इस साल 4.7 है। अभी अगर इसको नेगेटिव बताना हो मैं क्या बोलूंगा पता है, ओ माई गॉड, हाहाकार मच गया है, जीवीए पूरा खराब है, क्वार्टर वन में 18 था, क्वार्टर टू में 8 है, क्वार्टर थ्री में खाली 4.7 है। अरे ऐसे थोड़ी ना कंपेयर करते, कंपेरिजन पिछले साल से होगी कि नहीं, राइट। तो ये जो पिछले साल 2.1 के सामने 4.7, इससे एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, तीनों को क्लब कर दो, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री मिला लो, क्या होगा इस साल, क्वार्टर वन, क्वार्टर थ्री मिला लो क्या होगा, मस्त ग्रोथ यार एकदम, राइट। तो डिमांड में इंडिया में कोई कमी नहीं है, कोई चिंता नहीं करने की डिमांड में। देखो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो अलग बात है, वो प्रॉफिट बिगाड़ेगा, पर डिमांड थोड़ी ना इंडिया की खराब है, डिमांड तो यार एकदम लग जाए ऐसी है। जीडीपी, राइट, जीवीए नहीं, ये जीडीपी दिखा रहा है। जीडीपी 24% क्वार्टर वन में डाउन थी, ये तो आपको पता ही है। क्वार्टर टू में क्या हुई, -6, क्वार्टर थ्री 0.7, इंप्रूवमेंट फेज था, राइट। क्वार्टर फोर का डेटा नहीं दिया है क्योंकि इस साल का भी क्वार्टर फोर नहीं है, तो यह डायरेक्ट क्वार्टर वन कितना है 20, ये 20 24 से मिला,
-24 के सामने 20, -6 के सामने 8.5 जीडीपी, और पिछले साल क्वार्टर थ्री में खाली 0.7% था, ये बार 5 है, तो जीडीपी तो बढ़िया रहेगा। इस बार हम लोग और एक कंट्री को टक्कर मार के एक स्टेप और ऊपर चढ़ेंगे, राइट। तो ये एक जबरदस्त बड़ा तमाचा है उन लोगों को जो इंडिया के जीडीपी पे सवाल उठा रहे थे, उन लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिलने पे सीधे इंडिया पे कूद पड़ते थे, है कि नहीं तमाचा? बहुत खुशी, इंडिया को कुछ नहीं बोलने का, राइट। गलत हो तो बोलो यार, इतना बढ़िया कर रहे क्या आप भी? यहां पे क्वार्टरली एस्टिमेट ऑफ जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, करंट प्राइसेस, राइट। तो अगेन अभी चलो सेम चीज होगी, मैं नो ही रिपीट करूंगा, इन्फ्लेशन ऐड करके इन्फ्लेशन बगैर, जाने दो ये सब, बराबर। ये काम का देखो, ये क्या है, एस्टिमेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड अप्रैल टू दिसंबर, 9 महीने हो गए, तो ये 9 महीने में कितना है, पिछले साल 9 महीने में कितना था, राइट। तो देखो 19-20 में ग्रॉस वैल्यू एडेड 98 लाख करोड़ थी, 20-21 में 90 लाख करोड़ हो गई, गिरी थी 8.5% से, ये बार दोस्त मेरे लाइफ टाइम हाई है ये 9 महीने की, 99 लाख करोड़ यानी करीबन 100 लाख करोड़ की आपकी ग्रॉस वैल्यू एडेड है, बराबर की नहीं? तो बढ़िया एकदम। यहाँ पे भी सेम चीज, नो नीड टू रिपीट, पर ये 9 महीने के सारे डेटा है, बराबर। वापस ये शांति से पढ़ लेना ताकि आपको थोड़ी आइडिया आ जाए, ये भी 9 महीने के। देखो 9 महीने देखे, एग्रीकल्चर पिछले साल से तो अच्छा ही कर रहा है, ये 9 महीने के हिसाब से पिछले साल के 9 महीने, राइट। माइनिंग का तो क्या कहना, 61% ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग धमाकेदार, मैन्युफैक्चरिंग ने कमाल किया है, यूटिलिटी बढ़िया एकदम, राइट, पर ओवरऑल जीवीए के मुकाबले कम है। कंस्ट्रक्शन धमाकेदार 38.5, ट्रेड होटल 25% डाउन, 26% ग्रोथ, तो 9 महीने में डैमेज हुआ उतना यहाँ पे कवर हो गया, बराबर है, इसको हम लाइफ टाइम ही नहीं कहेंगे। देख लो ये सारे डेटा, बराबर की नहीं? 9 महीने की डिटेल थी ये, उसी प्रकार से जीडीपी की 9 महीने की डिटेल। जीडीपी अगर हम देखें, पिछले साल के 9 महीने में 6% डाउन था, फाइनेंशियल ईयर 9 महीना, ये साल के 9 महीने में 22% ग्रोथ है। दोस्तों आपको ध्यान होगा, अगर जीडीपी 22% से बढ़ा है, अब सोचो निफ्टी 50 का सेल्स कितने परसेंटेज से बढ़ा होगा, 25 तो होगा कि नहीं यार, है कि नहीं? मैं फिर भी थोड़ा डिस्काउंट करके 20% का ग्रोथ लिखता हूं, है कि नहीं, राइट। सो जी समझ लो, इस बार आपकी निफ्टी 50 का सेल्स मस्त आने वाला है, नो डाउट अबाउट इट, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी 40% जैसी तो होगी। अब ये मेन इंडिकेटर है दोस्तों, कुछ इंडिकेटर होते हैं जिसको देख के अंदाजा लगाया जाता है, हम कैसे माने कि ग्रोथ कैसा होगा या कैसा हो रहा है। तो प्रोडक्शन ऑफ राइस, देखो प्रोडक्शन ऑफ राइस और कोई भी कॉमोडिटी क्या कहती है, ये प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ तो खाने वाले तो बढ़ रहे हैं हर साल, तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई नहीं होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, राइट। तो कंट्री देखती है कि प्रोडक्शन बढ़ता जाए, बराबर कि नहीं? पिछले साल प्रोडक्शन ये 9 महीने में 3% से बढ़ा था, ये साल 5% से बढ़ा है, सो दैट्स ग्रेट। क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखो, 2% के सामने 5.5% प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस जिसका रॉ मटेरियल होगा देखो सस्ता मिलेगा, अंदाजा लगाओ। अभी सोचो राइस किसका रॉ मटेरियल है, क्या नूडल्स बनाने में राइस का इस्तेमाल होता है, नेस्टले नेस्टले नेस्टले, क्या बिस्किट बनाने में होता है, ब्रिटानिया और कौन सी कंपनी, उनका जो रॉ मटेरियल कम से कम राइस तो सस्ता मिलेगा, राइट। ब्रेड बनाने की कंपनियां कौन सी है, सोचने का, ये आपको एडवांस में हिंट करती है। प्रोडक्शन ऑफ कोल, देखो कोल हम मानते हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं ना, पर फिर भी कोल यूज करने की क्षमता बहुत कम नहीं होगी, हम रिन्यूएबल पर जाएंगे, पर इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि अभी भी 10 साल हम कोल को देखने वाले हैं, राइट। देखो पिछले साल जब नेगेटिव जीडीपी था, राइट, कितना नेगेटिव था, अभी हमने जीडीपी देखा ना 9 महीने में कितना था यार, 6% डाउन,
सॉरी नहीं ये नहीं, हाँ 6% डाउन उसी, एक मिनट, हाँ 10% ना, 10% डाउन उसी समय कोल का प्रोडक्शन खाली 2% डाउन था, ये साल 11% प्लस है, राइट। खाली क्वार्टर थ्री भी देखो ना तो 5% के मुकाबले 9%, इधर से ही पता चलना चाहिए कोल इंडिया का धंधा जोरदार हो रहा है। कोल इंडिया का सेल्स अभी खोल के देखना, मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, आप जाओ बीएसई इंडिया की साइट पे कोल इंडिया देखो, राइट। मैं ये नहीं कहता लाइफ टाइम हाई पे होगा बराबर, क्योंकि लाइफ टाइम हाई के लिए आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखना चाहिए, लेकिन नियर टर्म में कोल का कंजप्शन प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा होगा, तो अभी कोल इंडिया भी यू टर्न पे होगा बराबर। कि मैं चार्ट तो बता सकता हूं जरूर आपको, देख लेते हैं अपन। ये डिमांड है, राइट। जब राइस का प्रोडक्शन बढ़ा तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखता है, तो फूड इन्फ्लेशन इंडिया में अच्छा ही है, राइट। इससे ब्रिटानिया की डिमांड या मैगी की डिमांड नहीं बढ़ती है। हाँ हो सकता है इन्फ्लेशन की मार उनकी थोड़ी कम हो जाए, राइट। पर ये जो कोल इंडिया जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या है, ये मैंने कहा लाइफ टाइम हाई पे नहीं होगा क्योंकि कंजप्शन इंक्रीमेंटल मोड पे नहीं है। पर यस यू टर्न, ये बैंड ऑफ द ट्रेंड क्यों आया, क्योंकि कोल का कंजप्शन बढ़ रहा है, राइट। तो कोल का कंजप्शन बढ़ रहा है, एडवांस में कोल इंडिया के निवेशक उम्मीद रखेंगे कि धंधा बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। तो कम से कम मेरे ख्याल से कोल इंडिया के निवेशकों को इतना टारगेट 280-300 का आसपास का टारगेट तो कोल इंडिया का रखना चाहिए। अभी नहीं है तो लेने मत जाना, पर अगर है तो ये समझ लो आप नियर टर्म में पॉजिटिव है, राइट। इन क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन की बात है ये, राइट। सीमेंट मस्त एकदम, पिछले साल अफेक्टेड था 9 महीने में, ये साल 26% छप्पड़ फाड़ के, क्वार्टर थ्री में भी ग्रोथ है, देखो 8% कोई पूरा नहीं। तो सीमेंट की कंपनी में जल्दी प्रॉफिट बुकिंग मत करना। कंजप्शन ऑफ स्टील पिछले साल -14, इस साल 16%, तो सेल स्टील की कंपनियां देखोगे पिछले 9 महीने में इनका बिक्री भी बढ़िया बिका होगा, 16% से नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा, क्योंकि सेल 16% से बढ़ा होगा, पर ये लोग भाव बढ़ा देते हैं, तो भाव बढ़ने के कारण 16 के बदले और थोड़ा ज्यादा। दूसरा, अच्छी कंपनियों का पेनेट्रेशन ज्यादा होगा, और ज्यादा हुई होशियारी। टेलीफोन सब्सक्राइबर्स 0.1 से बढ़े, 0.4 से बढ़े, क्वार्टर में भी बढ़े। ये सेल्स ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पिछले साल बुरे हाल थे, 37 से डाउन, इस बार बढ़े हैं, पर ये लाइफ टाइम ही नहीं है, जितने गिरे उतने रिकवरी नहीं। तो कॉमर्शियल व्हीकल की कंपनियों की भी अभी हालत तो टाइट हो, प्राइवेट व्हीकल की उनसे भी ज्यादा, क्योंकि ये भी पिछले साल टूटे थे, पर पिछले साल बढ़े तो थे, इस बार भी इनकी तो कोई बढ़त नहीं है। तो समझ लो, मारुति के डेटा देख के ही हमने बोला उस समय आपको कि इनके धंधे अभी अच्छे ही है, क्वार्टर में भी नहीं आने वाले, क्वार्टर फोर में भी। ये देखो, ये तो क्वार्टर थ्री का डेटा है, -23% 13 के मुकाबले। कार्गो हैंडल, जिससे आपको पता चलता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्या हाल है, एयरपोर्ट पैसेंजर हैंडल देखो 75% अफेक्टेड था, यानी एयरपोर्ट की जो एयरलाइन की जो कंपनियां थी 25% धंधे होंगे पिछले साल खाली, राइट। ये साल 100% ग्रोथ, पर 25% का 100% करो तो 85 होता है, यानी लाइफ टाइम ही नहीं होगा इस बार, ना इंडिगो ना स्पाइस जेट, पर रिकवरी अच्छी है वो तो मानना पड़ेगा, देखो क्वार्टर थ्री में भी बढ़िया रिकवरी है, राइट। तो इंडिगो में चिंता की बात नहीं है, पर ये उम्मीद मत करो वो लाइफ टाइम हाई धंधे वाली इस साल की, अगले साल होगा, राइट। रेलवे पैसेंजर किलोमीटर अच्छी रिकवरी है, राइट। दूसरी, ये जो ज्यादा अफेक्टेड थी उनसे अच्छी है, एयरपोर्ट से ज्यादा अच्छा, मतलब एयरलाइन से ज्यादा अच्छा रेलवे कर रही है। क्रेडिट की हालत टाइट है, देखो डिपॉजिट से भी कम क्रेडिट होती जा रही है, राइट। पिछले साल 6%, इस साल 9%, 9% ग्रोथ मतलब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, राइट। रेवेन्यू ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्फ्लेशन, अब ये माइनिंग सबका डिस्कस हो गया है हमारा, ये तो ये हम इन्फ्लेशन के समय इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, डन, बोलो कर पाओगे। तो अभी हमने क्या किया, मैं वापस से आपकी एक्सेल सीट पे आ जाता हूं, जस्ट अ मिनट, ओके, डन 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 डन। ये एक्सेल सीट काई की है, यही वाली देखो, ये सब एक्सेल सीट में आ गया, राइट। अब अभी हमने लास्ट एपिसोड 1 में हमने आईआईपी डेटा डिस्कस किए,
आज के एपिसोड में हमने जीडीपी डिस्कस किया, थर्ड एपिसोड इन्फ्लेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। चलो, उम्मीद रखता हूं ये सब चीज लर्निंग दे रही है, खास करके एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो सीखे हुए रिसर्च, मेरे ख्याल से वो इसको रिलेट भी कर पाएंगे, राइट फ्रेंड्स। सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, मेरे को कमेंट करिएगा कि बहुत मुश्किल तो नहीं है ये सारी चीजें, राइट, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।